दूरसंचार विभाग ने नेट न्यूट्रलिटी की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर नेट न्यूट्रलिटी है क्या। नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गजब इंडिया, जहां पर आज मैं बात करूंगा कि आखिर नेट न्यूट्रलिटी है क्या। नेट न्यूट्रलिटी एक सिद्धांत है जिसमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सभी तरह के डेटा को एक समान अहमियत देते हैं। यह सिद्धांत यूजर, कंटेंट, वेबसाइट, प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन आदि पर लगने वाले अलग अलग चार्ज को खत्म करता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियां इंटरनेट पर हर तरह के डेटा को एक जैसा दर्जा देंगी और एक ही कीमत लेंगी। उदाहरण के तौर पर इस सिद्धांत के तहत सर्विस प्रोवाइडर्स किसी भी वेबसाइट या ऑनलाइन कंटेंट को जानबूझकर ब्लॉक या स्लो नहीं कर सकता है, साथ ही उसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं ले सकती हैं। अगर इसे आसान भाषा में समझा जाए तो इंटरनेट पर चाहे आम आदमी हो या फिर कोई बड़ी कंपनी, सभी को बराबर मौका मिलेगा। कुछ टेलीकॉम कंपनियां ऐसी हैं जो कुछ वेबसाइट्स को फ्री या तेज स्पीड देकर बाकी वेबसाइट्स का रास्ता बंद करना चाहती हैं, जबकि नेट न्यूट्रलिटी के मुताबिक इंटरनेट पर मौजूद सभी यूजर्स को बराबर स्पीड मिलनी चाहिए। टेलीकॉम कंपनियां यूजर्स से अलग अलग सर्विस के लिए अलग अलग चार्ज लेती हैं, साथ ही कुछ सर्विसेज को ब्लॉक भी कर दिया जाता है। नेट न्यूट्रलिटी के आने के बाद कंपनियां हर यूजर से अलग अलग सर्विस के लिए अलग अलग चार्ज नहीं ले पाएंगी। कंपनियां इंटरनेट की स्पीड को भी कम नहीं कर पाएंगी। टेलीकॉम कंपनियां ज्यादा डाटा कंज्यूम करने वाली सर्विसेज को ब्लॉक या स्लो नहीं कर पाएंगी। कंपनियां किसी ऐसे ऐप को फ्री डेटा नहीं दे पाएंगी जो कंपनी को अलग से पैसे देती हो। नेट न्यूट्रलिटी की सिफारिशों को मंजूरी देने के बाद अब कोई भी मोबाइल ऑपरेटर या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंटेंट उपलब्ध कराने से लेकर इंटरनेट की स्पीड के मामले में किसी खास या पसंदीदा वेबसाइट को तरजीह नहीं दे पाएंगे। तो ये पूरी जानकारी थी नेट न्यूट्रलिटी पर। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। किसी खास मुद्दे पर जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं रिसर्च करूंगा, वीडियो बनाऊंगा और उसे आप देख पाएंगे।